फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है कृपया कर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स कल के दिन मैंने ऐसे शेयर बताए थे जो 20-30% गिरे हुए हैं, बहुत अच्छे स्टॉक हैं, इनको आप बाय अभी करके चल सकते हैं। इसमें एफएल इंडिया का भी नाम था, तो एफएल इंडिया की मैंने कवर किया था कि कल के दिन ही, तो कल के कंपेयर आप देख सकते हैं कि इसका शेयर का प्राइस क्या पहुंच चुका है। आज अपर सर्किट ही ले लिया कंपनी का। कंपनी में ये न्यूज़ आई थी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे जिसके पास एक शेयर है। तो जैसे कि ऐसा नहीं होता कि एक शेयर है जैसे अभी 4,000 का चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे एक शेयर है तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, जैसे 4,000 की रेंज में चल रहा है, जस्ट ये ऊपर नीचे जो भी होगा लास्ट डेट जो भी देगा इन लोग का बोनस के स्प्लिट के पहले, सो ये डिवाइड कर देंगे तो करीब ये 800 रुपये करीब अभी के हिसाब से 800 रुपये हैं। तो 800 × 5 करोगे 4,000, मतलब कि आपको 800 रुपये का शेयर मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका फ़ायदा क्या रहता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी आपका शेयर में 10 रुपये बढ़ रहा है, एक शेयर में 10 रुपये बढ़ रहा है, तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बट इन फ्यूचर जैसे आपके पास एक ही शेयर था तो आपको जैसे उसमें 10 रुपये बढ़ा और आपके पास अभी कितने हो जाएंगे, 5 शेयर हो जाएंगे, तो इन फ्यूचर आपको कितना 50 रुपये का फ़ायदा होगा। तो यही चीज़ होती है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही फ़ायदा होता है इसमें। कि आप बोले कि अभी शॉर्ट पोजीशन के लिए, मेरे पास एफएल इंडिया बहुत ही टाइम से पहले से ही है, अभी मेरे को थोड़ा डाउन में था, मगर तो लॉस तो नहीं हो रहा, बट नो प्रॉफिट नो लॉस पे था, बट अब प्रॉफिट में आ जाऊँगा क्योंकि अब कंपनी में बाइंग चालू हो रही, बड़े बड़े ग्रुप में भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर में देखिए जैसी न्यूज़ आई कंपनी के शेयर ने अपर सर्किट ले लिया, मतलब बड़े ग्रुप ने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मतलब अब ये क्या करते हैं, इनको 10-15% का प्रॉफिट होगा, ये बड़े ग्रुप को ये निकल जाते हैं, एग्जिट कर लेते कि इनको पता ये अच्छा स्टॉक है और ये अभी पोजीशन बना ली है इन लोगों ने। अब जैसे ही ये 4,400-4,500 तक जाएगा, स्प्लिट के आसपास पहुंचेगा जिस दिन, तो आप देखेंगे उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, बट वो कमबैक भी कर लेता है। और आपको एक चीज़ बताऊँगा कि इसका स्प्लिट वैल्यू 1:10 का था, फेस वैल्यू कंपनी का फेस वैल्यू देख सकते हैं, ये 10 का दिया है, यहाँ पे 10 का दिया है। अभी कंपनी ने कितना दिया, 1:5 दिया, बट कंपनी का 10 का वो था 1:1 के बदले 10 शेयर मिलते, तो कंपनी इन फ्यूचर भी आपको स्प्लिट देगी, ये याद रखिए। मतलब आने वाले 2-3 साल में कंपनी फिर स्प्लिट देगी आपको, फिर शेयर होल्डर को माला माल कर सकती है। यही होता है कि अपने शेयर होते डबल, इन डबल होंगे तो आपका प्रॉफिट डबल होने लगता है। तो फ्रेंड्स अपन कंपनी के एक बार नोटिफिकेशन में चल देते, कंपनी ने क्या अपलोड किया है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी ने फेस वैल्यू दिया है ये 10 को, मतलब सीधे सीधे मैंने पढ़ चुका हूँ, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। मतलब जिसके लिए एक शेयर है उसको 5 शेयर मिलेंगे, वही लिखा है, और डेट अभी सामने नहीं आई, डेट इन फ्यूचर आपको बता दी जाएगी। तो मतलब कि आप इसमें बना सकते हैं, इसमें टाइम बहुत ही कम दिया था कंपनी ने, सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया था, और 4 दिन के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर को स्प्लिट भी दे दिया कंपनी ने। तो इन फ्यूचर ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, एक मोनोपोली बिजनेस ये इन्जॉय करता है एडवर्टाइजमेंट से लेके। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, आज के दिन तो अपर सर्किट लग गया 5% का, 5 दिन में देखेंगे 4% के रिटर्न, 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ्स में देखेंगे नेगेटिव, 1 साल में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 50% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मतलब कंपनी ने यहाँ से नेगेटिव परसेंट दिया 28%, कंपनी का शेयर भागा कितना था ये देखिए, 106% भागा था, जिसमें से 28% गिरावट हुई। कल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि ये 30% के ऊपर ही जाके बंद हुआ था। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कि 400% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। आप शेयर देखेंगे कितना, मतलब कि 550% के रिटर्न दे चुका है कंपनी है ये। बट इसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, क्योंकि जितनी तेज शेयर भागता उतनी तेज प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती, बीच बीच में गिरता भी है आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए करीब 50% की गिरावट यहाँ पे भी हुई थी लॉकडाउन के आसपास, उसके बाद भी कंपनी गिर जाती मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसमें माल उठाने का मैंने कल ही बताया था, माल उठा लो 10% के, मतलब ये चीज़ रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। आप जिन शेयर में पोजीशन अपन हर टाइम नहीं बना सकते, कि अपन इन जो अच्छे शेयर होते हैं ना अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चलना चाहिए, भले एक क्वांटिटी ऐड करें, इन फ्यूचर आपको पता लग जाएगा कि वो भाग रहा है, वो रिटर्न दे नहीं रहता, वो थोड़ा सीखने को मिलता है। पहले आप स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए सीखना पड़ेगा, भले एक एक शेयर बाय करिए, जो जो मैं शेयर आपको बताता हूँ एक शेयर कॉपी में नोट कर लीजिए किस रेंज में मैंने बताया। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने भी कई लोगों से पूछा था, कॉपी में नोट डाउन करता था फिर बाइंग करता था, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके बाइंग कर दी जा, कल जहाँ मौका हुआ कि मैंने बाइंग करनी है, मैंने बाइंग कर दी जाके शेयर ले लिया एफएल इंडिया का, ऐसा नहीं होता। कि कंपनी का देखना, कभी भी शेयर को ले ना, कोशिश करो कि वो रेड में हो,
क्या होता है अधिकतर लोग ग्रीडी हो जाते हैं, जैसे ही शेयर ऊपर भागने लगे 5%, मैं भी जब नया नया था जैसे वो 5% भागता था मैं उस शेयर में भागता था, पता चला नेक्स्ट डे वो लोअर सर्किट लग जाता 5%, मैं फंस जाता था, बैठा रहता था, क्या करता हूँ, होल्ड करके बैठा रहता, और जो मेरे पास प्रॉफिट वाले शेयर होते ना उसको सेल कर देता था, जो मेरे को प्रॉफिट दे रहे 20% 25% के रिटर्न दे देते थे उनको मैं बेच देता था, और जो लॉस देते थे उनको होल्ड करके, तो मतलब रिटर्न ही नहीं बनते रहते मेरे। फिर मैंने दिमाग लगाया कि अपन लॉस वाले शेयर को बेचो, भले आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो लॉस वाले में कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको मत बेचिए, वो अच्छे शेयर होते हैं, मतलब जो ख़राब शेयर आ गए उनके में मौका होता है, जैसे एक मौका आया कि अपन को लालच नहीं करना उस जगह पे, क्या होता है अधिकतर जैसे मैं ही था, जैसे मैंने कोई शेयर देखो लिया 5 रुपये में, साला वो 8 रुपये पे चला गया, मैंने बोला कि मेरी बाइंग प्राइस से 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है मेरे को, तो मैं बोलता था नहीं मेरे को 10 रुपये चाहिए, पता चला वो 8 रुपये पे आके मेरे को लॉस हो गया, उल्टा 8 रुपये से वापस आके 4 रुपये पे चला गया। इसलिए कभी भी ऐसे छोटे मोटे स्टॉक होते हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है तो कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके रखें, इन फ्यूचर वो भागेंगे भागेंगे। FL इंडिया भी बहुत ही अच्छा शेयर है, आप इसके लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और एक और शेयर बता देता हूँ, HL ग्लास कोटिंग। फ्रेंड्स मैंने HL ग्लास कोटिंग के ऊपर वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, करीब एक महीने पहले बनाया था, 63 व्यू हुए हैं मेरे में, व्यूज़ तो बहुत कम ही है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर, मेरा चैनल एकदम लेटेस्ट है और मैं इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए वो नहीं खर्च करता इसलिए थोड़ा व्यूज़ कम है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखिए। हेलो फ्रेंड नमस्ते, स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज अपन एक मिड कैप क्वालिटी की स्टॉक शेयर पे वीडियो बनाया था, तो ये 35573 रुपीज़ का था, मतलब 3600 रुपये बोल दीजिए, उसके बाद ये नीचे गया है 3200 रुपये तक गया, अभी 4-5 दिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा 3200 रुपये तक गया था, मैंने इस टाइम भी होल्ड करके रखा, मेरे को नेगेटिव रिटर्न हो गए थे अभी मेरे भी, क्योंकि इसमें SIP कर करके ना मेरे भी नेगेटिव रिटर्न हो गए थे, तो ये 3200-3100 तक पहुँच गया, तो मेरे को खुद ऐसा लग रहा था कि अरे यार कहाँ मैंने फंसा। बट इस शेयर का लॉन्ग पैंट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भागती कैसे, जैसे इसका एक साल का शेयर दिखाऊंगा ना अभी तो वीडियो चल रही, तो आप इस शेयर में बाय करके चलिए, तो होल्ड करना है आपको, सेल आउट नहीं करना, जो भी मैं शेयर आपको बताता हूँ उनको होल्ड करके चले तो आपको प्रॉफिट होगा। आज मैंने देखिए सोचिए 3600 पे जिसने भी मेरे वीडियो देख के स्टडी करके बाय किया होगा 3600 पे, आज वो शेयर भले अभी 4000 के नीचे आ गया, हाई बनाया था 4140 का, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले वही। देखिए फ्रेंड HL ग्लास कोटिंग आज 3996 का हुआ, इसका आज का देखिए मैं आपको दिखाना चाहिए, देखिए 4146 आज का 52 वी का आज ही के दिन लगाया, और कंपनी का लो था 1287, मतलब कि मैंने 3600 पे वीडियो बनाया था, 500 रुपये पर शेयर का आपको प्रॉफिट होता, आपके पास जितने भी शेयर होते, मेरे लिए एक शेयर होता आपको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट तो होता, यही होता है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग मोनोपोली इन्जॉय करता है ये स्टॉक भी, FL इंडिया भी करता है, ये भी करता है, क्योंकि ग्लास में कोई भी एक GM ग्लास होल्डर है वो तो थोड़ा लफड़े वाला है, तो आप इसी को लेकर चलिए, देख सकते हैं एक दिन में 5 दिन में देखेंगे 17% गिर गए, एक मंथ में देखेंगे ये देखिए यहाँ पे गिरा था, लोग कई लोग मेरे को मैसेज भी किए पर्सनली व्हाट्सअप में, सर ये बहुत गिर रहा है, देखिए 12% की गिरावट हुई थी, मैंने बोला नहीं होल्ड करके रखो कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने अभी होल्ड करके रखा, मैसेज आएंगे शाम तक मेरे को कि सर बहुत अच्छी बाइंग हुई है, मतलब मेरे को प्रॉफिट में आ गया, तो वही मैं तो कहता हूँ कि जो भी अच्छे स्टॉक होते हैं उनको होल्ड करके रखिए, जो भी जिसने भी बेचा होगा आज वो लॉस पे बोलेगा मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, 500 रुपीज़ बहुत होता है, एक शेयर की वैल्यू आज 500 रुपये की है, तो आप इसका मैक्सिमम चार्ट एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, ये देखिए इसकी कंपनी का है ही ऐसा कि कंपनी कुछ नहीं करेगी पहले नीचे नीचे जाएगी, कुछ रिटर्न नहीं देगी, ये 2020 से सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने कुछ रिटर्न नहीं दी, जैसे ही 4 महीने निकले सीधे देखिए 100% रिटर्न दे दी कंपनी ने सिर्फ 1 महीने में, फिर कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दी, नेगेटिव हो गई 20%, कई लोग निकल गए होंगे कि रिटर्न नहीं बन रहे, फिर ये देखिए कंपनी क्या भागी उसके बाद, फिर मैं इस जगह पे मैं भी आपको तो 1600 में मैंने भी लेके इसको बेच दिया था 2000 में, क्योंकि साला रिटर्न नहीं दे रहा था, मेरे को लग रहा रिटर्न नहीं दे रहा, ये देखिए 65%, ये कंपनी का नेचर ही ऐसा है कि पहले जंप दिखाएगी, कैसे चलेगी ऐसे नॉर्मल चलेगी, सडनली जंप, फिर थोड़ी प्रॉफिट बनगी, फिर कंसोलिडेटेड पैटर्न, फिर सडनली जंप, ये इसका पैटर्न ही ऐसा, आप देखेंगे इसका पैटर्न हर जगह ऐसे ही मिलेगा आपको, तो ये मार्केट कैपिटल और मोनोपोली इन्जॉय करती ग्लास सेक्टर से, GM फॉडलर भी है, ये देख लें GM फॉडलर, इसमें रिटर्न ही नहीं मिल रहे, 6000 का स्टॉक था, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, तब से वो बैठा हुआ फंसा हुआ है, मैं तो उसमें बेच के निकल गया था 6000 के आसपास, क्योंकि मेरे को पता लगा कि उन्हें बेच के निकल लूँ उसमें, क्योंकि उस टाइम मैनेजमेंट से इशू आ गया था, ये देखिए क्या चार्ट पैटर्न है, कहीं मिलते 43,000 के रिटर्न कितने साल में,
रिटर्न भी दिखा दे रहे कितने साल में, 2006 से 43,000% के रिटर्न में। छोटा मोटा स्टॉक नहीं, बहुत ही अच्छा मैनुअली एंजॉय करने वाला स्टॉक है। इसको आप रडार में रखिए, अपने बाय ऑन करके कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है अपने शेयर होल्डर को। कंपनी के ऊपर बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी स्प्लिट दे देती है, बीच बीच में बोनस दे देगी, तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा जिसको आप लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। शेयर 10-15% भागते हैं तो 100% भाग रहे तो 10-15% गिरते ही हैं। तो चार्ट पैटर्न में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे पहले नॉर्मल है, फिर जंप, फिर नॉर्मल, फिर जंप, मतलब कंपनी का चार्ट पैटर्न ही है। क्या शानदार 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कम शेयर, देखिए क्या शानदार रिटर्न दी कंपनी। अगर मैं आपको अभी अभी का बता दूँ ना, 2000 से कंपनी ने ये देखिए 2000% के रिटर्न दिए 2019 से 2021 में, 2000% के रिटर्न है। आप सोच सकते हैं आपको करोड़पति के खरबपति बना दे, अगर किसी ने 100 शेयर भी रखे होते इसके। और कितने का था इस टाइम पे, यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये देखिए 100 शेयर 176 के थे, 100 शेयर 176, अगर 100 शेयर होते तो कितना हो गया आपका 176,000, 17,000 का माल जो आज का आपका हो जाता, कितने का, करीब करीब 4,000 × 100, 4,00,000 का माल, मतलब 18,000 का माल आपका 4,00,000, कितना भयंकर रिटर्न दिए। तो आप इस शेयर को छोटा मोटा ना समझे, आगे इन फ्यूचर लार्ज कैप भी बनेगा, अभी मिड कैप स्मॉल कैप है तो इसलिए वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, मगर कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। आप इसके रिजल्ट भी पढ़िए, बैलेंस शीट भी पढ़िए, बहुत शानदार है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और अच्छे खासे शेयर जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बनाते, ऐसे शेयर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो वी विल अनदर वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।